गुड मॉर्निंग क्लास, अगेन वी हैव कम विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ क्लास 8 ऑफ दैट इज ऑफ साइंस ऑफ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स: सोइंग, एडिंग ऑफ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. गेटिंग? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें से पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? फार्मिंग करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी प्लोइंग या फिर टिलिंग कर देते हैं और उसके बाद फिर उसकी लेवलिंग करते हैं. ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट द फर्स्ट टॉपिक इज फॉर टुडे इज वीडियो इज सोइंग. सोइंग का मतलब क्या होता है? सोइंग का मतलब होता है पौधों को लगाना या फिर बीजों को लगाना है. ठीक है, तो जब भी हम अपने खेतों में सीड्स को लगाते हैं या फिर छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स होते हैं पौधों को लगाते हैं, उसी को हम सोइंग होते हैं. तो उससे पहले कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. सो लेट अस सी, द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी हमें किस तरह के सीड्स लगाने हैं. जैसे मान लीजिए अभी धान का मौसम चल रहा हो और मैंने गेहूं का लगा दिया, तो फिर वो नहीं होने वाला है, वो प्लांट सही से, वो क्रॉप हमारी सही से नहीं होगी. तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ सीड जरूरी है. तो सिलेक्शन सबसे पहले तो हम सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं कि किस सीजन में हमें कौन से प्लांट्स लगाने हैं, कौन से क्रॉप लगानी है. इसके अलावा किस तरह की हमारी जमीन है, ठीक है, हमारा लैंड की क्वालिटी क्या है और वहाँ पे रहने वाला हमारा, ठीक है, और भी दूसरी सुविधाएं किस प्रकार की है. जैसे कुछ जगह होती है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है. तो अलग अलग जगह के हिसाब से हम अलग अलग तरह के सीड्स का सिलेक्शन करते हैं. तो फॉर द सोइंग ऑफ सीड द फर्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन ऑफ सीड. हम सीड्स को पहले सेलेक्ट करेंगे कि इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. ओके, आफ्टर दैट वी हैव अनदर थिंग दैट इज सोइंग टूल. हम सोइंग करते हैं नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके में, हम लोग क्या करते हैं, हम स्प्रिंकल कर देते हैं, ऐसे फैला देते हैं सीड्स को खेतों में. लेकिन ऐसा अभी नहीं किया जाता है. एक ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें यूज किया जाता है फनल, हल के पीछे एक फनल शेप डिवाइस लगा दी जाती है जिसमें से सीड्स एक एक करके वो गिरते जाते हैं. और दूसरा मेथड जो आजकल यूज हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, उसे बोलते हैं सीड ड्रिल. सीड ड्रिल को ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है और उससे इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे सीड्स अपने आप लग जाते हैं. उसमें मैनुअल हिंड्रेंस की कोई जरूरत नहीं होती है. तो सेकेंड प्रोसेस हमने देख लिया, पहला हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हमने देखा सोइंग. सोइंग में दो चीजें आती है, सिलेक्शन ऑफ सीड और सोइंग टूल. तो सोइंग टूल्स हमारे दो हैं, एक ट्रेडिशनल टूल है जिसमें फनल आता है और दूसरा है सीड ड्रिल, ठीक है, जो कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है. ओके, आफ्टर दैट कम्स एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, देखिए जैसे हम लोग एक ही जगह पे एक ही लैंड पे लगातार खेती करते रहते हैं तो इससे सॉइल की न्यूट्रिएंट जो होती है वो खत्म हो जाती है. तो उसको फिर से एनरिच करने के लिए, फिर से उसमें न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए हमको कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है, चाहे हम मैन्योर्स ऐड करें और चाहे फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करें. लेकिन आजकल के हिसाब से जो हम लोग पीवीएस में एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि हमें मैन्योर्स को ही यूज करना चाहिए. बिकॉज मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. वो ऑर्गेनिक कैसे होते हैं? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब ऐसे जो प्लांट्स के रिमेन्स बच जाते हैं, जैसे पेड़ की पत्तियां हो गई या फिर जब धान की कटाई होती है उसमें शहद बच जाता है, तो वो सारी की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे फार्म में छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद वो डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है, मैन्योर. एंड दैट वर्क्स एज फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, और उससे हमारे खेत को नुकसान भी नहीं होता है. लेकिन हर जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल न्यूट्रिएंट्स. ये केमिकल्स होते हैं जो हम लोग एडिशनली जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और इनको लाके हम अपने खेतों में डालते हैं. लेकिन इससे हमारे एनवायरमेंट को बहुत सारा नुकसान होता है. इससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ता है और जो इसके टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे फूड में ऐड होकर हमारी बॉडी में चले जाते हैं. तो हमारी सोल्यूशन यही रहेगी कि हमें इस समय के हिसाब से अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज ना करके मैन्योर्स का यूज करना चाहिए. सो व्हाट वी आर सीइंग टिल नाउ, वी आर सीइंग दैट वी फर्स्ट डू द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सेकंड वन वी डू द सोइंग, एंड आफ्टर दैट वी ऐड द मैन्योर्स और द फर्टिलाइजर्स. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है? हमने अपना प्रिपरेशन के लिए सॉइल का हमने खेत बना लिया, उसमें बीज लगा दिए, उसमें खाद भी डाल दी. अब क्या करेंगे? तो अभी उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू इरिगेट इट, वी हैव टू सप्लाई द वाटर इन आवर फार्म्स. हमारे खेतों में पानी चाहिए होता है क्योंकि हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए H2O चाहिए होता है,
पानी को लगाते हैं। तो उसके दो मेथड्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पूर्वज पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज मोट। मोट क्या होता है? मोट होता है चेन पुली। ठीक है, असल में इसमें क्या करते हैं लोग, पुली सिस्टम का यूज करते हैं। पुली सिस्टम की यूज करके वाटर को निकालते हैं, या तो उसमें बैल को कुछ जगहों पे, ऊंट को कुछ जगहों पे, घोड़ों को बांध दिया जाता था और उससे पानी को कुएं से निकाला जाता था। सेकेंड वन इज चेन पंप। चेन पंप का भी इस्तेमाल पुराने टाइम में किया जाता था। सेकेंड वन इज सॉरी नेक्स्ट वन इज ढेकली। ढेकली यूज होता है राजस्थान वगैरह में, राजस्थान में जहाँ पे कुएं भी, वहाँ पे कुएं का एक दूसरा वर्जन बनता है, उसको बोलते हैं कुई। ठीक है, तो उससे पानी निकालने के लिए ढेकली का यूज किया जाता है। और भी दूसरी जगहों पे अलग अलग रीजन के हिसाब से एक नया टेक्नोलॉजी था उस टाइम का, उसको बोलते हैं रहर। ठीक है, तो ये सारे सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिससे हम अपने खेतों को पानी दिया करते थे, अपने पौधों की सिंचाई किया करते थे। और अभी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जिससे पानी की बर्बादी रुकती है, और वो है स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर मेथड से क्या होता है, हमें उस जगह पे जहाँ पे पानी पहुँचाना हो उन्हीं प्लांट्स को वो पानी देता है। इससे हमारे क्या होता है, ज्यादातर जो पानी की बचत हो पाती है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसको असल में हिंदी में बोलते हैं टपक विधि। ठीक, इसमें क्या होता है, सिर्फ प्लांट के रूट्स को जहाँ पे पानी की जरूरत होती है उन्हीं को वो पानी मिल पाता है। तो हमने ये सारे स्टेप देख लिए। अब बात आती है वीड्स की। तो ये नई टर्म, ये वीड आया कहाँ से? असल में वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए होते। आप खेत में जाएं तो आप देखेंगे कि हम जो क्रॉप लगाते हैं उसके अलावा भी कुछ प्लांट्स उसमें निकल आते हैं। उन प्लांट्स की हमें जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमें उनमें से कोई भी ग्रेन या सीरियल नहीं मिलता है, तो हमें उनको हटाने की जरूरत होती है। अच्छा, हम हटाते क्यों हैं? तो हटाते इसलिए हैं क्योंकि हम जो उनको न्यूट्रिएंट्स देंगे या फिर जो हम वाटर देते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम सप्लाई करते हैं, तो जो हमारी क्रॉप उस चीज़ को लेती है, इसके अलावा ये प्लांट्स भी लेते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हटाया जाता है ताकि हमारे क्रॉप को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो हटाने के मेथड को, द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज नोन एज वीडिंग। वीडिंग एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं कि वीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड। हम जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम निकालते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, वीडिंग। अब इसके दो मेथड्स हैं, एक है मैनुअल मेथड और एक है केमिकल मेथड। मैनुअल मेथड का मतलब ये है कि लोग जाते हैं, एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जिसको बोलते हैं खुरपी, वो इसको लेके जाते हैं या फिर फावड़े या फिर कुदाल ऐसी चीजें लेके जाते हैं खेतों में, और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनको हटा देते हैं, वहां से साफ कर देते हैं। ये हो गया हमारा मैनुअल मेथड। लेकिन अभी लोग मैनुअली, क्योंकि लोगों के खेत बड़े हैं तो फिर उसमें मैनुअल मेथड काम नहीं करता है, वहां पे लोग यूज करते हैं केमिकल्स का। केमिकल का एक एग्जांपल है 2,4-D। ठीक है, 2,4-D एक तरह का वीडिसाइड होता है। वीडिसाइड वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वीड एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वीड्स को हटाने का एक मेथड है जो अभी मॉडर्न जमाने में यूज किया जाता है। तो ये सारे की सारी चीजें हमारी फार्मिंग में यूज होती हैं। हमारा अगला पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, हमने अपने प्लांट्स लगाए, उनकी इरिगेशन की, वीडिंग की, उनकी देखभाल की, सारी चीजें करने के बाद वो प्लांट्स बड़े हो गए और इस लायक हो गए कि हम उनमें से जो चीज हमें चाहिए थी वो हम ले पाए। ठीक है, जो हमें सीरियल, जो हमें ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट, जो भी हमने लगाया है वो हम उसको ले पाए। तो उस लेने की प्रोसेस को, द कटिंग ऑफ दी फ्रूट्स और द कटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स और द हार्वेस्टिंग और द कटिंग ऑफ द ग्रेन्स और द सीरियल्स इज नोन एज व्हाट, हार्वेस्टिंग। यानी उसको हम कट करते हैं, उसको खेत से हटाते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद होती है थ्रेशिंग। यानी जैसे मान लीजिए गेहूं के पौधे आपने काट दिए, गेहूं के पौधे के काटने के बाद फिर क्या होगा, क्या उसमें से डंठल में गेहूं मिल जाता है? नहीं, हमें प्रोसेस से होकर उसको गुजारना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि उसमें से हम शेफ को अलग कर देते हैं, यानी जो उसके साथ बड़े बड़े प्लांट्स के टुकड़े होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं, और जो ग्रेस होता है उसको हम अलग कर देते हैं, और उसको हम बोरी में भर के घर पे लाते हैं। लेकिन उसके बाद एक और प्रोसेस बच जाती है, उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, असल में जो ग्रेन्स हम लाते हैं वो पूरी तरह से साफ नहीं होते, उसमें कुछ टुकड़े, शेफ के कुछ टुकड़े आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से उस शेफ को निकालने की कोशिश करते हैं। एक होता है विंड सिस्टम, जो हम लोग मैनुअली करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स को किसी कंटेनर में रख के और ऐसे ऐसे उसको हम शेक करते हैं, और हमारा जो ग्रेन होता है ग्रेविटी की वजह से ग्रेन अलग हो जाता है और जो शेफ है वो अलग हो जाता है विंड की वजह से। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मैनुअल मेथड ना यूज करके कुछ लोग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, वो मोटर का इस्तेमाल करके फैन या इस तरह की कोई चीजें चला लेते हैं और उस तरह से वो उसको अलग करते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला बार प्रोसेस था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आफ्टर दैट सोइंग, देन एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, आफ्टर दैट इरिगेशन,
after that removal of weeds which is known as weeding and after that harvesting. ये सारी चीजें हमने कर ली, हमने खेत में अपने पौधे लगा लिए, उनको बड़ा कर लिया, उनसे ग्रेन्स भी ले लिया. लेकिन अब क्या बताइए, ये बताइए आप कि हमारे खेतों में जितने भी अनाज होते हैं क्या हम एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं? क्या उसको एक दिन हम यूज कर सकते हैं? नहीं, उसको यूज करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, 6 महीने, 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा. कुछ लोग सेल करते हैं, तो सेल करने के लिए उसे स्टोर करना पड़ता है, उसे रखना पड़ता है. तो रखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें पहले सुखाना पड़ता है. अगर आपके ग्रेन्स अच्छे तरह से नहीं सूखे होंगे, दे विल बी नॉट ड्राइड, तो क्या होगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें फंगस, उसमें इस तरह की चीजें लग जाएंगी, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाएंगे. फिर आने वाले फ्यूचर में हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे या फिर हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे. तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको गनी बैग्स क्या होते हैं, बोरे, इस तरह की चीजें जो ड्राई होती है उनमें हम उसको रख के फिर दो अलग जगह होती है, एक को बोला जाता है ग्रेनरी, एक बोलते हैं सिलोस. ग्रेनरी में आप उसको हम स्टोर करवा देते हैं या फिर सिलोस में. ग्रेनरीज आप जाते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक है, वहां पे भी उस टाइम पे द ग्रेट ग्रेनरी बनाया गया था. वहां पे भी इस कल्चर, ये कल्चर हमारे, ठीक है, पूर्वजों से हमको मिला है कि हम ग्रेन को स्टोर करें आने वाले फ्यूचर के लिए. सो हमारा लास्ट टॉपिक है, अवर लास्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री. ये सारी की सारी चीजें आ रही थी हमारी फार्मिंग में, वो भी क्रॉप से रिलेटेड. लेकिन क्या सिर्फ हम क्रॉप्स की ही फार्मिंग करते हैं? नहीं, इसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट पाने के लिए हम लोग कुछ और भी चीजें करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने मस्टर्ड का प्लांट लगाया, मस्टर्ड की क्रॉप लगाई, ठीक है, आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम पाना चाहते हैं, तो यू कैन डू व्हाट, यू कैन पुट अ फार्म ऑफ बीहाइव, ठीक है, आप वहां पे मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा हनी की इनकम हो जाएगी. आप उसके साथ कुछ एनिमल्स पाल सकते हैं. तो ये सारी की सारी चीजें जहाँ पे हम एनिमल्स को भी पालते हैं और क्रॉप्स को भी लगाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आती है हमारी फार्मिंग में. और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रॉपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.